हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल हेल्दी नाश्ता। इसके लिए लिया है मैंने गेहूं का आटा, इसमें डाली है अजवाइन, थोड़ा सा नमक और गेहूं का ऑयल डाल के हम अच्छे से कर लेंगे इसे मिक्स। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका बिल्कुल सॉफ्ट सा करूंगी डो तैयार। थोड़ा थोड़ा पानी और दूसरी तरफ लिया है मैंने दो चम्मच आटा गेहूं का और इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा पानी। बिल्कुल पतला सा हम इसका डो तैयार कर पेस्ट सा तैयार कर देंगे और अपने आटे को मैं रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर। फिर दूसरी तरफ ली है मैंने कढ़ाई, इसमें डालूंगी मैं सरसों का तेल, जीरा, फिर बारीक कटा हुआ प्याज, उसमें डाला है हरी मिर्च, जीरा, थोड़ा सा लहसुन डाल के मैं इसे अच्छे से कर लूंगी हल्का सा ब्राउन। उसके बाद डालूंगी मैं इसमें उसके बाद मटर, थोड़ा सा नमक डाल के हम मटर को अच्छे से कर लेंगे सॉफ्ट। जब हमारी सॉफ्ट हो जाएगी तब हम इसमें डालेंगे और फिर मैं इसमें डालूंगी और इसे अच्छे से कर लूंगी मैं मिक्स। फिर इसके बाद डालूंगी मैं इसमें मसाले, फिर कुछ मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर अच्छे से मैं मिक्स और थोड़ा सा चाट मसाला और फिर डालूंगी इसमें हरा धनिया और इसे अच्छे से कर लूंगी मिक्स। स्वाद के अनुसार डालूंगी मैं इसमें नमक और ये कितना। फिर मैंने तैयार हो चुकी है कुछ लोइयां, उसके बाद मैंने ली है छोटी छोटी लोइयां, मैंने ली 5 से 6 लोइयां और इसकी पत्ती और इसे रोटी के आकार में बेलकर बेली है और इसके ऊपर जो मैंने पतला सा पेस्ट बनाया था वो लगाऊंगी और थोड़ा सा डालूंगी सूखा 4 से 5 रोटियों को एक साथ मैंने इस पे चिपका दूंगी। इस तरह मैंने 5 से 6 रोटी अच्छे से चिपका दी है और इसे रोटी के बेल लिया है मैंने बिल्कुल पतला पतला और रोटी बहुत ही बड़ी हमारी ये रोटी बेली है। फिर मैं इसकी करूंगी 4 हिस्से, आप कितने भी हिस्से कर सकते हो। और जो हमने थोड़े बड़े बड़े बनाए तो मैंने 4 हिस्से सब्जी सी बनाकर रखी थी, जो मैंने सब्जी बनाई तो आप इसे समोसे का कह लो या फिर कचौड़ी और आलू की कुछ भी आप इसे कह सकते हो। और बीच में फिर मैं इसमें रखकर कॉर्नर को इसको अच्छे से चारों तरफ से चिपका दूंगी, तीनों तरफ से चिपका दूंगी। मैं किस तरह चिपका रही हूँ आपको भी इस तरह चिपकाना है और चिपकाते हुए हम फिर सारे एक साथ बना लेंगे। मैंने ये चारों एक साथ बना लिए हैं और फिर मेरा तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। फिर हम इन्हें करेंगे तेल में फ्राई। जब ये हमारे तेल में फ्राई हो जाएंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे और बिल्कुल क्रिस्पी बने थे। और कुछ मैंने गोल भी बनाए हैं जो कि हम चाय के साथ खाएंगे। आप चाहो तो इसे हरी चटनी के साथ या सॉस के साथ भी खा सकते हो। ये देख सकते हो मैंने गोल भी बनाए और इस शेप में भी बनाए हैं। सब लोग बैठ चुके हैं अपने टेबल लेकर, कुछ चाय के साथ खा रहे हैं, कुछ हरी चटनी के साथ खा रहे हैं। ये देख सकते हो आप कितना टेस्टी लग रहा है, देखने में भी टेस्टी और खाने में भी बहुत टेस्टी और हेल्दी है। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ, बाय बाय दोस्तों।